निमित्त से मैं सबको, पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को, नागरिकों को, बोरीवली के सभी हमारे नागरिकों को मैं सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। नवरात्र उत्सव ये भारत की संस्कृति और परंपरा को उजागर करने वाला हमारी देवी माँ का उत्सव होता है। और आज आप सभी ने देखा है कि इस भव्य सभागृहों में हमने नवरात्र उत्सव की एक कल्पना की परियोजना को एक नए पंख दिए है। वैसे तो बोरीवली में सभी जगहों पे दांडिया के उत्सव होते हैं, नवरात्र उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। हमने भी पिछले 3 साल लगातार नवरात्र उत्सव दांडिया के माध्यम से मनाया, लेकिन इस साल नवरात्रि उत्सव का नाम ही हमने रखा है भक्ति रस। देवी माँ की आराधना, उपासना, प्रार्थना, साधना, जिसके माध्यम से भक्ति, यह अनोखा संगम यानी भक्ति रस का कार्यक्रम। दुर्गा देवी का भव्य रूप जो हमारे पीछे है, जो आपको अभी कई क्षणों में देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि बोरीवली के सभी लोगों ने बहुत बड़े बड़े गायक और गायिकाओं के माध्यम से नवरात्रि उत्सव का पूजन किया है। यहाँ पर देवी दुर्गा माँ का वो दृश्य होगा जहाँ पर हम कहते हैं कि महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माँ का भव्य उत्सव कलकत्ता में होता है। और वैसा ही पहले बार मैं तो कहूँ कि मेरे जीवन में मैंने मुंबई में भी इतना विशाल ऐसा दुर्गा देवी का रूप मैंने नहीं देखा था। जो हमारे सभी कलाकार हैं जिन्होंने इस कला को बनाया है, विशेष रूप से हमारे अमोल हितवेकर है जिन्होंने बहुत परिश्रम करके ये पीछे का भव्य सेट बनाया है। और इसके लिए बोरीवली के और मुंबई के सभी लोगों को मैं इस नवरात्रि उत्सव में आमंत्रित करता हूँ, जहाँ पर आने वाले 9 दिन में लगातार भरतनाट्यम, कथक, जिसको हम कहते हैं कि अलग अलग नृत्य के आविष्कार के माध्यम से दुर्गा देवी की आराधना होगी, उसकी उपासना होगी, प्रार्थना होगी। अनूप जलोटा जी का भजन होगा, हमारी उत्तर प्रदेश की मथुरा की सांसद सम्माननीय हेमा जी का दुर्गा देवी का नृत्य होगा। यहाँ पर तन धन पायो करके एक लता मंगेशकर जी के कार्यक्रमों के ऊपर अलग अलग नृत्य के माध्यम से यानी ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, इसके माध्यम से राग संगीत के माध्यम से भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। ऐसे अलग अलग कार्यक्रम हैं और ये कार्यक्रमों के माध्यम से देवी की पूजा होगी। मुझे लगता है ऐसे पहले बार दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति बोरीवली इसके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सबको ये कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। बोरीवली के साथ साथ जो उत्तर मुंबई की जनता है और जो जनता विरार से मुंबई तक है जो आना चाहती है, उन सबको हमारे भक्ति रस के इस कार्यक्रम में आने के लिए ऑनलाइन पे आप जाइए। कोई इसकी फीस नहीं है, कोई पैसे भरने नहीं है और आपको निःशुल्क इस कार्यक्रम में आने मिलेगा और माँ दुर्गा देवी की वो आराधना और वो उपासना आपको करने का मौका मिलेगा। नहीं, वैसे पासेस के बारे में देखो, ऐसा है कि सब जगह पे जो नवरात्रि होते हैं वो नवरात्रियों का भी मैं समर्थन करता हूँ, होने भी चाहिए। उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है और जैसा हम देखते हैं कि स्टेज लगाना, वहाँ पर फलियों के माध्यम से बड़े ग्राउंड को सजाना, बड़े बड़े गायिका को लाना, लेकिन वहाँ पर पासेस या टिकट ये होना मैं समझता हूँ कि बहुत ही, अगर हम निःशुल्क रखें सभी चीज़ों को तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। हम देखते हैं कि इसके लिए उसकी जो कीमत है, हर कोई चीज़ की कीमत तो होती है। अच्छा, अगर आप चित्रपट देखने को जाते हो तो भी हम पैसे भरते ही है। तो मुझे लगता है कि वो सभी नवरात्रियों को भी मैं शुभेच्छा देता हूँ। बहुत मेहनत और परिश्रम से भी वो नवरात्रियों को वो सजाते हैं, लोग भी आते हैं, आनंद लेते हैं, बड़ी बड़ी गायिकाएँ वहाँ पर आती है, उन सभी को। और बोरीवली में नवरात्रियों की तो धूम चलती है, तो इसके लिए मैंने दांडिया से थोड़ा हटके भक्ति के मार्ग में लोगों को लेके चलने का एक प्रयास है और लोग इसमें बिल्कुल आनंद से भक्ति रस का आनंद लेंगे। मैं तो आपको कहता हूँ कि पिछले 27-28 वर्षों से मैं राजनीति में हूँ। राजनीति से बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रम जब भी कभी मैं करता हूँ, चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो या देश के लिए जो कार्यक्रम हो, वो सबके सोचने के बाहर जाके मैं सोचता हूँ।
जैसे हमारा वन फॉर ऑल कार्यक्रम है, जो हमारे देश की सेवा करते समय अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला जवान अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, उसके घरों में झांक के उनके परिवार को मदद करने के लिए मैं स्वयं पूरे देश भर में जाता हूँ। मणिपुर से लेके मिज़ोरम तक, मिज़ोरम से लेके नागालैंड तक, नागालैंड से लेके सिक्किम तक अपने जवान बॉर्डर पे पहरा देते हैं, गोलीबारी होती है, आतंकवादियों के साथ जूझते समय जख्मी हो जाते हैं, तो उनको वहाँ से सरहद से लेके अपने अस्पताल तक लाने के लिए 8-8 एम्बुलेंस मैंने उन राज्यों में दी है। ऐसे बहुत सारे काम सामाजिक जीवन में मैं करता हूँ, सांस्कृतिक में भी करता हूँ, और इसके लिए मुझे लगता है कि जब ये मेरे मन में बात आई, ये तो माँ देवी की कृपा थी कि दांडिया के इस धूम में कुछ अलग, कुछ हटके करने का एक मौका, ये सौभाग्य है कि देवी माँ ने मुझे दिया। और कुछ क्षणों में मैं आप लोगों के लिए देवी माँ की जो प्रतिमाएं हमारे जिन कलाकारों ने बनाई हैं उसका रूप आप जब देखोगे, और शाम को यहाँ पर जिस प्रकार से नृत्य के माध्यम से देवी की आराधना होगी, वो आराधना और साधना देख के ये संगम जो है ये भक्ति का बहुत बेहतरीन और अद्भुत संगम होगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, युवाओं को तो प्रेरित, देखो अभी ऐसा है कि यहाँ पर जिन युवाओं के माध्यम से नृत्य होगा, वहाँ पर अलग अलग आप अगर सोचे तो ये सब करने के माध्यम से कितने लोगों को रोज़गार मिला है, जो फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं उनको भी मिला, संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले अनूप जी जैसे, अनूप जलोटा जी जैसे बहुत श्रेष्ठ संगीतकार और गायक है, जिन्होंने भजन की एक सीमा जो पहले तय हुआ करती थी उस सीमा को इतने ऊंचाई पर लेके गए अपने भजन से, अपने आवाज़ से। तो मुझे लगता है कि युवाओं ने भी भारत की संस्कृति और परंपरा को कहीं ना कहीं देखना चाहिए, और ये अगर हमारी पीढ़ी सुशिक्षित तो ज़रूर है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहते हैं, ये पीढ़ी अगर भारत के आने वाले समय में, आधुनिक भारत में, अगर अपने कंधे पे भी मजबूती से भारत की बागडोर संभालते हैं, तो भारत ऐसा एक देश बने कि आने वाले समय में न बल्कि अमेरिका, न बल्कि चीन, भारत क्रमांक एक का विश्व में देश होगा। इस साल की थीम जो कलकत्ता की है, लेकिन ये साल की थीम में देवी माँ के अलग 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 रूप होते हैं, जैसे दुर्गा देवी है, माँ लक्ष्मी है, अम्बे माँ है, सरस्वती देवी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने दुर्गा देवी का वो भव्य रूप खड़ा किया है, और इसमें हर दिन अलग अलग नृत्य के आविष्कार से यहाँ पर शाम की जो संध्या है उस संध्या को सजाया जाएगा। अब कैपेसिटी ऐसा है कि ये तो फ्री है, सिर्फ ऑनलाइन जाना है और पासेस लेना है, तो यहाँ पर करीबन 700 लोग बैठेंगे, 60-70 नृत्यांगना यहाँ पर उसका आविष्कार सादर करेगी, और ये देखने लायक और जिनको यहाँ पर इस सभागृह में आने का मौका मिलेगा उनका विशेष रूप से भाग्य होगा, दुर्गा देवी का दर्शन भी होगा और अच्छे अच्छे कलाकारों का वो समा उनको देखने को मिलेगा। नहीं, पूजा कराएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ पूजा नहीं है ना, यहाँ पर भक्ति है। आप विचार करो, दांडिया खेलने के लिए जो वर्ग जाता है और जो 40 के बाद का वर्ग है, 45 के बाद का वर्ग है, वो क्या करता है, तो वो मंदिरों में जाता है, पूजा करता है, देवी माँ के चरणों में प्रार्थना अर्पण करता है। तो ये आप अगर किसी से पैसा लेते हो और उनको लाते हो तो बात अलग है, यहाँ पर तो बना बनाया सभागृह है, जिसको भक्ति के लिए आना है वो तो आता ही है, तो इसके लिए उसकी कोई चिंता नहीं है। चिंता तो थी ये बनाने की, और ये तो देवी माँ के आशीर्वाद से और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से और कलाकारों के विशेष परिश्रम से ये बना है, इसके लिए इसको मैं अभी आप लोगों के लिए देवी माँ का दर्शन दिखाता हूँ, और फिर हम अपना ये